हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे न्यू इलेक्ट्रिक ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए डैमेज ट्यूबलाइट लाए हुए, जो डैमेज ट्यूबलाइट है जिसको हमें रिचार्जेबल बनाना है, तो आपको कैसे बनाना होगा तो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं रिचार्जेबल है, और ये कैसे बनेगा लास्ट तक वीडियो में आप जरूर बने रहे। वेलकम टू माई चैनल न्यू इलेक्ट्रिक ज्ञान गंगा, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हर पॉइंट को अलग अलग करके यहाँ पे बैटरी मदद से इसको चेक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रेच करने के बाद इसमें सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर LED बल्ब के पास मैंने सोल्डिंग कर रखा हूँ, और सीरीज में भी इसको चेक किए तो ये सॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे इसके वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हम स्पीकर वायर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये प्लस प्लस और माइनस में इसको हम ज्वाइन करने के बाद बैटरी से चेक किए तो ये ओके है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं LED जो ट्यूबलाइट का कवर है उसमें खांचे में अच्छे से बैठ गया, और इसके साइज का हम नाप भी कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको एक बार चेक करते हैं, तो हम देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रकाश कर रहा है। और इसके दोनों साइड में कवर लगाने के लिए इसको हम दो कट कर लेते हैं, और इसका बीच का पॉइंट भी हमने इसको निकाल दिया हूँ ताकि इसमें आसानी से ये बैठ जाए। तो आइए हम इसका वायरिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी का अंदर पॉइंट डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम स्विच ले रहे हैं, सॉकेट ले रहे हैं चार्जिंग, और 4007 डायोड और 1K रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं। तो आइए हम इसे फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के यहाँ पे जो ऊपर का कवर लगाया है तो इसको मैंने स्विच लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं सॉकेट के लिए यहाँ पे होल आयरन की मदद से कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसका होल कर दिया हूँ चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम स्टार तार को भी जोड़ के हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो आइए हम इसका कनेक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे हम बैटरी का कनेक्शन कट कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो वायर बैटरी का और दो चार्जिंग का वायर निकला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच में इसको हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट को ही सही करना होगा। डायोड के जो सिल्वर कलर है वो प्लस पॉइंट है, और पीछे की तरफ माइनस पॉइंट। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस 1K रेजिस्टेंस को भी लगा के जो सॉकेट चार्जिंग पिन है उसमें हम लगा दिए हैं, और डायोड के प्लस पॉइंट में मैंने बैटरी वायर और एक एक्स्ट्रा वायर को जॉइंट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट होने के बाद इसका स्विच में भी हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वायर को अभी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने माइनस पॉइंट को ब्लैक वायर में जोड़ दिया हूँ, और प्लस पॉइंट जो है इसको मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑफ कर दिए, ऑन कर दिए, ऑन ऑफ हो रहा था। और इसके बाद यहाँ पे माइनस पॉइंट चार्जिंग पिन भी हम वायर जोड़ देते हैं, और जो यहाँ पे 1K रेजिस्टेंस लगा है चार्जिंग इंडिकेटर के लिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट LED बल्ब में ही इसको हम जोड़ दे रहे हैं। जो स्विच में हमारा वायर गया था इसको मैंने लगा दिया, और यहाँ पे चार्जिंग शो बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है, और इसका प्रकाश भी बहुत अच्छा है। तो आइए हम अपने शॉप में इसको हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दिया हूँ, और ये काफ़ी अच्छा प्रकाश कर रहा है। तो आप सबको ये कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।